तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे डबल डेकर ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दिल्ली सराई रोहिला AC डबल डेकर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए IRCTC। IRCTC सर्च करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जो है इस पर अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देखकर आसानी अकाउंट बना सकते हो और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो सबसे पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है ट्रेन। ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होकर आ गया। पहले नंबर वाला ऑप्शन है बुक टिकट, ट्रेन का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ फ्रॉम में, यहाँ पर फ्रॉम में कल्याण जंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा नहीं आएगा अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो। यहाँ पर कल्याण जंक्शन की जगह आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है दिल्ली S रोहिला, इस स्टेशन का नाम डाल लेना है। डालने के बाद सामने लिखा हुआ है टू मनमाड़ जंक्शन, इस जगह पर भी कुछ नहीं लिखा रहेगा, आपको क्लिक करके यहाँ पर डाल लेना है जयपुर। जयपुर डालने के बाद नीचे क्लास लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। कोटा लिखा हुआ है, जर्नल कुछ नहीं करना है। उसके नीचे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी डेट पर जाना है, जिस भी डेट का आप टिकट बुक करना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा लगभग से 14 नवंबर 2022 करो। तो आपको जिस भी डेट पर बुक करना है उस डेट को डाल लीजिए। याद रखिए ये एक आध महीना पहले टिकट बुक कीजिए, आपको बआसानी सीट अवेलेबल मिल जाएगी। ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च ट्रेन का ऑप्शन है, यहाँ पर रेड पट्टी में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने पहले वाला ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस 12958, उसके नीचे वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसको छोड़ देना है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा JP डबल डेकर ट्रेन 12986 है। अगर आप दिल्ली S रोहिला स्टेशन से जयपुर तक बुक कर रहे हो, अगर आप जयपुर से दिल्ली S रोहिला तक बुक करोगे तो आपको जो ट्रेन नंबर मिलेगा 12985। 12985 जयपुर से दिल्ली, और दिल्ली से जयपुर बुक करोगे तो 12986 ट्रेन नंबर याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रूट को अगर देखना है तो 12986 लिखा हुआ है, उसके आगे मैप बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में पढ़ सकते हो, आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है 5:35 पर ये निकलेगी दिल्ली S रोहिला से जयपुर जाएगी रात में 10 बजे तक, यानी 4 घंटा 25 मिनट का टाइम लेगी। उसके नीचे लिखा हुआ है CC क्लास अगर आप बुक करोगे तो आपको 500 रुपये की पड़ेगी, और आप EC एग्जीक्यूटिव चेयर कार अगर बुक करोगे तो 1205 रुपये की पड़ेगी। यहाँ पर आप जो है CC पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद CC बहुत से लोग बुक करते हैं, अगर बुक करना है तो CC पर रहने दीजिए। अगर आपको अगर और अच्छा लुत्फ़ उठाना है डबल डेकर ट्रेन का तो आप EC में भी जा सकते हो, जिसका टिकट लगभग से डबल से भी ज़्यादा है, याद रखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए CC पर हमने क्लिक कर लिया, नीचे एकदम लास्ट में लिखा हुआ है 500 रुपया, उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेयर का जो अभी टिकट की डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हो। बेस फेयर 391 रुपये है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये लगा है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये लगा है, GST 24 रुपये लगी है, टोटल अमाउंट है 500 रुपये। तो ये 500 रुपये की टिकट हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है 500 रुपये, उसके आगे लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल, रेड कलर की पट्टी में लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन डालना है। पिन डालने के बाद जो है यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है, हर टाइम अलग अलग कैप्चर आएगा, याद रखिए। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये आपकी आईडी को पहले तो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने जो है
पेज आ गया है, वही पेज आया, याद रखिए। नीचे देख सकते हो 500 रुपये लिखा हुआ है एकदम लास्ट में, उसके आगे लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल्स, उसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद ओके करना है, ओके करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है टिकट का डिटेल दी हुई है, उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको पैसेंजर डिटेल देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी बंदे आपके साथ, आप खुद भी अपना टिकट यहाँ पर बुक कर रहे हो तो अपना नाम डाल लीजिए, जो आधार कार्ड पर नाम है वही डालिए, ज़्यादा अच्छा होगा, याद रखिए। अब यहाँ पर जो है एज डाल लेना है, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो डाल लेना है, उसके बाद देख सकते हो नेशनलिटी इंडिया लिखी हुई है, कुछ नहीं करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है बर्थ प्रेफरेंस, उसके ऊपर क्लिक करके विंडो साइड चाहिए तो विंडो साइड पर क्लिक कर लेना है, ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके साथ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो फिर से आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है, उसी तरीके से डिटेल भरना है, फिर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर उस बंदे का भी नाम आ जाएगा। अगर 3 लोग हैं तो फिर से ऐड करना है, फिर से डिटेल भरना है, फिर से ऐड पैसेंजर करना है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबका यहाँ पर ऐड न्यू करके उनका नाम डालिए, उनकी एज डालिए, ऐड पैसेंजर कीजिए, उनकी सीट बुक कीजिए, यहाँ पर डिटेल उनकी भी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगी। अगर सिंगल हो तो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ गया है, कुछ नहीं करना है। लास्ट में देख सकते हो GST डिटेल फॉर टैक्स बेनिफिट लिखा हुआ है, अगर आपके पास है तो क्लिक करके यहाँ पर डिटेल भर सकते हो, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो आपको चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा 30 रुपया प्लस GST। लगभग से पहले वाला अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 34-35 रुपया चार्ज लग जाएगा, याद रखिए। अगर आप सेकंड नंबर का लेते हो, यहाँ पर देख सकते हो पे भीम UPI, अगर आप गूगल पे फ़ोन पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हो तो आप सेकंड नंबर का ऑप्शन ले सकते हो, इसमें चार्ज आपको कम लग रहा है, 20 रुपये प्लस GST, यानी आपको लगभग से 24 रुपये के आसपास चार्ज लगेगा। तो आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अगर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर रहे हो तो पहले वाला कीजिए, और गूगल पे UPI वगैरह से पेमेंट कर रहे हो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस का दे रहा है 35 पैसे में, अगर लेना है तो यस पर रहने दीजिए, नहीं लेना है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। 35 पैसे का है ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, 35 पैसा ले लीजिए, यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स, रेड कलर की पट्टी में एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपके सामने डिटेल आ गई है, देख सकते हो यहाँ पर पढ़ लेना है पूरी डिटेल, सही आप डिटेल भरे हो या नहीं भरे हो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, कैप्चर आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग आता है हर टाइम कैप्चर, याद रखिए। जैसे हमारा यहाँ पर आया है LIC, आपका अलग भी आ सकता है या LIC भी आ सकता है, जो भी आएगा यहाँ पर देख लेना है, वो भर लेना, हर टाइम अलग अलग कैप्चर आता है, याद रखिए, यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे लास्ट में टोटल प्राइस बता दी गई है 523.95 रुपया, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ 524 रुपया मेरे हिसाब से हो रहा था, यहाँ पर 523.95 रुपया पूरा बताया है, उतनी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगी, याद रखिए। 500 रुपये की टिकट थी और जो है 23.95 रुपया जो आपको लगा है, 20 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज और ऊपर का 4-1 रुपया GST लगा है, याद रखिए। उसके आगे लिखा हुआ है पे का ऑप्शन, रेड कलर की पट्टी में है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको यस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको जो है लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, भीम UPI, फिर से यस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे रेड कलर की पट्टी में लिखा हुआ है पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ गया है, अब आप यहां पर पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम नंबर डालकर। अगर नहीं करना है पेटीएम से तो यहां पर आप अपना गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, जो भी UPI ID है आपकी वो डाल सकते हो, डालकर पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है लगभग से डालूँगा फ़ोनपे की, देख लीजिए आप भी इसी तरीके से डालिए, आपकी जो भी आईडी है वो डालिए, मेरी देखकर मत डालिए,
आपकी जो भी आईडी है वो डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो ग्रीन कलर से वेरीफाइड हो गया है, टिक मार्क आ गया है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है पे, ब्लू कलर की पट्टी में लिखा हुआ है पे 523 रुपये 95 पैसा। उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने का नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से मैसेज आता है तो पे पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको फ़ोन पे पर लेकर जाएगा। अगर अमेज़ोन पे गूगल पे डाले तो वो वहाँ पर लेकर जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको बीच का बटन दबा कर डायरेक्ट आपको, अगर अमेज़ोन पे की डाले हो तो अमेज़ोन पे पर चले जाना है, फ़ोन पे की डाले हो तो फ़ोन पे पर चले जाना है, गूगल पे की डाले हो आईडी तो गूगल पे पर डायरेक्ट चले जाना है। इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हो पे का ऑप्शन दिया हुआ है, पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से लास्ट में पे का ऑप्शन है, पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI पासवर्ड डालना है, जो भी UPI पिन है आपका 4 डिजिट 6 डिजिट, मेरा 6 डिजिट है तो मैं 6 डिजिट डाल लेता हूँ। डालने के बाद बैंक से अमाउंट कट हो जाएगी, कटने के बाद टिकट कंफर्म बुक हो जाएगी, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, सीट नंबर आ जाएगी, स्क्रीन पर भी सीट नंबर वगैरह आ जाएगी, पूरी डिटेल आ जाएगी, बुगी नंबर आ जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट बआसानी ले सकते हो। मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, उसी के साथ साथ आपके मेल पर PDF फाइल आ जाएगी। PDF फाइल आप जब भी जाओगे PDF फाइल देखकर अपनी जगह पर बैठ सकते हो, और TC वगैरह आता है तो बता सकते हो बआसानी, या फिर आप जो है PDF फाइल को लेकर उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और अपने पास रख सकते हो। इसी तरीके से आप जो है JP डबल डेकर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखे। ओके, जय हिंद।